नमस्ते, माय नेम इज सनी शर्मा और वेलकम है आपका न्यूट्रिशन 108 की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पांच गलतियां या पांच मिस्टेक जो आप करते हो व्हाइल टेकिंग प्रोटीन। मिस्टेक नंबर वन, चूजिंग राइट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। लोग प्रोटीन ले तो लेते हैं पर कौन सा प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए सुटेबल है वो जाने बिना। तो उसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रोटीन कितने टाइप्स के आते हैं और कौन सा टाइप आपके लिए सुटेबल है। तो सबसे पहले आता है डेयरी या मिल्क बेस्ड प्रोटीन, जिसकी चार सब कैटेगरीज है। वन इज वे प्रोटीन कंसंट्रेट, सेकंड इज वे प्रोटीन आइसोलेट, थर्ड इज वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज एंड फोर्थ वन इज केसीन प्रोटीन। वे प्रोटीन कंसंट्रेट में आपको मिलता है 50-80% ऑफ प्रोटीन। ये इजी टू डाइजेस्ट रहता है, चीपर इन कॉस्ट रहता है और इसमें कार्ब्स और फैट भी पाया जाता है। ये उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है जो मसल साइज गेन करना चाहते हैं या मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट में आपको मिलता है 90% ऑफ प्रोटीन। ये भी इजी टू डाइजेस्ट रहता है, इसमें कार्ब्स और फैट्स की जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली लो होती है वे प्रोटीन कंसंट्रेट से। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट से एंड ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है फॉर फैट लॉस एंड टू बिल्ड लीन मसल मास। नेक्स्ट इज वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, जिसमें आपको मिलता है 90-95% ऑफ प्रोटीन। ये ईजीएस्ट टू डाइजेस्ट रहता है, मोस्ट एक्सपेंसिव रहता है एंड रिकमेंड किया जाता है उन एथलीट्स को जो कि ऑलरेडी स्ट्रिक्ट डाइट्स पे है टू मेंटेन देयर फिजिक। नंबर फोर पे आता है केसीन प्रोटीन, जिसमें 60-80% ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। ये स्लो इन डाइजेशन होता है, इसको स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन भी बोलते हैं एंड न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करते हैं कि आप केसीन प्रोटीन को रात के दौरान या मतलब नाइट में लें, क्योंकि वो स्लो डाइजेस्टिंग है, वो आपको रात को अच्छी रिकवरी दे पाएगा। ये तो थे मिल्क एंड डेयरी बेस्ड प्रोटीन। इसके अलावा भी एक कंसेप्ट है, लैक्टोज इंटॉलरेंट। इसका मतलब जो लोग जिनको मिल्क या डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट से एलर्जीज है या उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनके लिए आते हैं स्पेशली प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जैसे कि पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन एक्सेट्रा। तो अगर आप भी लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो यू कैन गो फॉर प्लांट बेस्ड प्रोटीन। नंबर सेकंड प्रोटीन, फेक प्रोटीन। बहुत से लोग इंडिया के अंदर फेक प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं ऑलरेडी और उनको नहीं पता लग पाता ये ओरिजिनल है या फेक है। एंड अगर आप हमारी बात मानो तो इंडिया में सिर्फ फेक प्रोटीन ही नहीं आता, उसके अलावा कंपनीज ब्रांड्स बहुत धोखाधड़ी करती है अपने कस्टमर्स के साथ, इंडियन कस्टमर्स के साथ, उनका बेवकूफ बना के बाय मिसलेबलिंग। जिसके ऊपर एक लेटेस्ट रिसर्च भी आई है कि 70% ऑफ 36 पॉपुलर ब्रांड इन इंडिया आर फाउंड टू बी मिसलेबल्ड। इसका मतलब प्रोटीन क्लेम करती है कंपनी 25 ग्राम और डालती है 18 ग्राम, 17 ग्राम, 16 ग्राम, जिससे आपका नुकसान होता है। जब आप उसको लैब टेस्ट करवाते हो तो आपका मैक्रो टेस्ट रिपोर्ट में चाहे प्रोटीन पूरा निकल भी आए, बट अमीनो स्पाइकिंग टेस्ट के दौरान पता लगता है कि इस पे हैवी अमीनो स्पाइक किया गया। इससे बचने के लिए ओनली यूज वेल नोन ब्रांड्स के प्रोटीन जो एटलीस्ट किसी ना किसी सर्टिफिकेशन या प्लेटफॉर्म पे सर्टिफाइड हो, जैसे कि ट्रस्टिफाइड, इनफॉर्म चॉइस या फिर लैबडॉर। और इट्स सेफ टू चूज दोज वे प्रोटीन ब्रांड जिनका आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट्स इजीली अवेलेबल है बाय डीलर और बाय ब्रांड। न्यूट्रिशन 108 पे आपको हमेशा मिलेंगे ये सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ, जैसे कि मसल नेक्टर का वे प्रोटीन, मसल नेक्टर का क्रिया प्योर, मसल नेक्टर की ओमेगा, नेचुरल टीन का वे प्रोटीन कंसंट्रेट, नेचुरल टीन का वे प्रोटीन आइसोलेट, नेचुरल टीन का गुड प्रोट, एवेटार का मसल गेनर, एवेटार का वे प्रोटीन, वेलकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, एटोम वे प्रोटीन, हेल्थ फार्म का मसल वे, वो सभी ब्रांड्स जो कि सर्टिफाइड है बाय एनी प्लेटफॉर्म, जैसे कि ट्रस्टिफाइड, इनफॉर्म चॉइस या लैबडॉर, आपको सारे प्रोडक्ट न्यूट्रिशन 108 पे अवेलेबल मिलेंगे विद बेस्ट प्राइस। मिस्टेक नंबर थ्री, प्रोटीन को किस टाइम पे लेना चाहिए और क्या प्रोटीन को वाटर के साथ लेना चाहिए या मिल्क के साथ लेना चाहिए। तो स्टडीज एंड रिकमेंडेशंस तो ये कहती है कि प्रोटीन को आप दिन में कभी भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोटीन को सिर्फ प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट ही लिया जाए। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप प्रोटीन को प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मतलब वर्कआउट से पहले या फिर वर्कआउट के बाद लेने चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वाटर में लेना ही प्रेफर करें, क्योंकि ये सभी वे प्रोटीन एक फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन होते हैं। मिल्क के साथ इसको ऐड करने में आपका जो ओवरऑल कैलोरीज का इंटेक है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि आपकी प्रोटीन की डाइजेशन को, एब्जॉर्प्शन को थोड़ा स्लो कर देता है। ऑन अदर हैंड अगर आप इसको वाटर के साथ लेते हो तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है
एंड तभी आपको प्रोटीन लो कैलोरिक रहते हुए आपको पूरे बेनिफिट्स दे पाएगा। मिस्टेक नंबर 4, टू मच प्रोटीन। अकॉर्डिंग टू FDA, अ नॉर्मल इंडिविजुअल शुड टेक 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ देयर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 70 kg के हो तो आपको अप्रॉक्स 105 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए एक दिन में, जिसमें से एक स्कूप वे प्रोटीन लेने पे आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है अप्रॉक्स, दो स्कूप लेने पे आपको अप्रॉक्स मिलेगा 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड बाकी जो रिकमेंडेशंस है, बाकी का जो 55 ग्राम्स है, हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, स्टिक टू योर नेचुरल डाइट्स। एंड ये है हाई प्रोटीन फूड का एक चार्ट, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो अपनी हाई प्रोटीन डाइट्स को। बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट यूज एक्सेस प्रोटीन। इन सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो नेचुरल डाइट इज द की, प्रोटीन सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। मिस्टेक नंबर 5, वाटर इज द की टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इट इज रिकमेंडेड इन मल्टीपल रिसर्च एंड स्टडीज कि ज्यादा वाटर कंज्यूम करने से आपका वे प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट होएगा, इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और आपको बेटर रिकवरी दे पाएगा। हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको वे प्रोटीन यूज करने से गैस्ट्रिक इनडाइजेशन या ब्लोटिंग से सफर करना पड़ता है, बट द टिप वी ऑलवेज गिव टू देम इज टू कंज्यूम एज मच एज वाटर यू कैन। तो गाइज, मैं होप करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए सही फॉर्म ऑफ प्रोटीन सबसे पहले चूज करोगे और बाकी की चार गलतियां नहीं दोहराओगे। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून ऑन अवर चैनल न्यूट्रिशन 108 इंडिया, रीडिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ एक्टिव न्यूट्रिशन। थैंक यू।